ओएफ बीजेपी के नेशनल कन्वीनर मिस्टर विजय जॉली, फिजी के फार्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र चौधरी और यूनाइटेड किंगडम के लॉर्ड राजुलुम्बा, मिस्टर एंड मिसेज वाईपी रेड्डी और ओएफ बीजेपी के को कन्वीनर मिस्टर राजपुर पुरोहित, को कन्वीनर मिस्टर षडमुखनाथन, को कन्वीनर डॉक्टर रजनी शरीन और को कन्वीनर ओएफ बीजेपी श्री अमित ठक्कर और यहाँ उपस्थित मेरे सभी एनआरआई मित्रों, ऑफिस में आप सभी मित्रों का पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री में ओएफ बीजेपी ग्लोबल कन्वेंशन यहां पर हो रहा है, यह पहला अवसर है और इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि मेरे प्रेसिडेंट रहते हुए ये पहला कार्यक्रम ओएफ बीजेपी ग्लोबल मीट का यहां पर हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने ओएफ बीजेपी के कन्वीनर मिस्टर विजय जॉली और सारे जितने को कन्वीनर थे उनको बधाई देना चाहता हूं। आज हम सब यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। स्वाभाविक है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट इस इंडिया में देखना चाहते हैं। पहले मैं उस भारतीय जनता पार्टी की इस समय भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। भाई बातचीत नहीं, प्लीज डोंट टॉक, प्लीज टेक योर सीट, बात मत करिए, जिनको बात करनी बाहर जाइए। बीजेपी इस इंडिया की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम ये कह सकते हैं कि आज उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा हो गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई, वह समाप्त हो गई, उनका नाम लेने वाला भी आज कोई इंडिया में शेष नहीं बचा है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी से बड़ा नहीं कर पाई। अकेली पॉलिटिकल पार्टी जिसने कि कांग्रेस से भी अपना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाने में सफलता हासिल की है, तो हमारी और आपकी यह पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका कि इतना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया। और इस इंडिया की अकेली पॉलिटिकल पार्टी यह बीजेपी है जिसकी कि अपनी एक पॉलिटिकल थाट है, जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसी पॉलिटिकल थाट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर ही हम बराबर काम करते रहते हैं और उसी आइडियोलॉजी और उसी पॉलिटिकल थाट के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस कंट्री में बना है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को मानता हूं, इनका अपनी पॉलिटिकल लाइफ में दो बार, तीन बार, चार बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है, लेकिन बीजेपी एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है कि 51 में जब हम एग्जिस्टेंस में भारतीय जनसंघ के रूप में आए तब से लेकर आज तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का कभी भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है और मैं कह सकता हूं कि देश की जनता का इसमें विश्वास, कॉमन मासेस में भी क्रेडिबिलिटी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की इस समय बची हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी कॉमन मासेस में बनी हुई है। और यही कारण है कि कॉमन मासेस का सपोर्ट बीजेपी के प्रति बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और मैं यह भी कह सकता हूं मोर देन 55 ईयर्स तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने के बावजूद हमारे दो लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल किशन आडवाणी, कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि
कि उनके दामन के ऊपर कोई करप्शन का कोई चार्ज लगा हुआ हो, यह केवल यदि कहीं पर है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी में। और आज यह कहते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे पास एक ऐसा भी लीडर है कि हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि कास्ट कास्ट क्रीड रिलीजन इन सबसे ऊपर उठकर जिस देश की जनता का प्यार, इस देश की जनता की मोहब्बत जिसे हासिल हो रही है, वो उसी शख्सियत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिसे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में इस देश में प्रोजेक्ट किया है। बातें बहुत सारी हैं और इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश में गवर्नमेंट चलाते हुए भी आपने देखा है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट व्हेन श्री अटल बिहारी वाजपेयी अवर प्राइम मिनिस्टर, वह टेन्योर भी अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट का, उसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैं कह सकता हूं केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट नहीं है, जिन स्टेट्स में आज हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट चल नहीं है, आज भारत का हर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि इस कंट्री में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उसी का यह परिणाम रहा, उसके पहले गुजरात में हम लोगों ने थर्ड टाइम माने हैट्रिक बनाने में सफलता प्राप्त की थी, तीसरी बार लगातार गवर्नमेंट हमारी बनती रही। मध्य प्रदेश में भी तीसरी बार हमने गवर्नमेंट बनाई है, छत्तीसगढ़ में भी हमने तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई है। जनरली यह कभी भारत की हिस्ट्री में नहीं होता रहा है जो कि इस बार हुआ है। फाइव स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और इस असेंबली इलेक्शन में आप सबको इलेक्शन रिजल्ट्स की जानकारी है कि चार स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अथवा अपनी क्लियर मेजॉरिटी के साथ, टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने में पूरी तरह से सफल रही है। पांच स्टेट्स फाइव स्टेट्स जहां पर कि असेंबली इलेक्शंस हुए थे, केवल एक स्टेट में मिजोरम में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस हासिल की है। मैं कहता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी का तरीका भी यही है कि कम से कम ये कहीं पार्टी को सारी स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे दौड़ की कंपटीशन होती है और जो जीत जाता है उसे प्राइज दी जाती है, लेकिन जो पीछे रह जाता है यानी जो रनर होता है उसे कंसोलेशन प्राइज दी जाती है। तो सचमुच इस देश की जनता ने कांग्रेस को इस बार के असेंबली इलेक्शन में कंसोलेशन प्राइज देने का काम किया है। मिजोरम के असेंबली के चुनाव में कांग्रेस जीती है। गवर्नेंस के मामले में मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा कि हमारी इन स्टेट गवर्नमेंट्स की गवर्नेंस कैसी है, चाहे हमारे श्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह हों, चाहे गोवा की चीफ मिनिस्टर हमारे मिस्टर मनोहर पर्रिकर हों, चाहे आज हमारी राजस्थान में टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाली श्रीमती वसुंधरा राजे हों, इनका गवर्नेंस भी इस देश की जनता ने देखा है। मैं आता हूं सेंटर में, जो हम लोगों ने बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने जो उस समय मोमेंटम हासिल किया था उससे सारे दुनिया में भारत की एक साख, एक क्रेडिबिलिटी, एक धाक यह बनी हुई थी। और मुझे याद है कि जब 2010 में यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा भारत आए हुए थे तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था, और जो कहा था मुझे लगता है कि 2004 तक हमारी कंट्री के इकोनॉमी ने जो मोमेंटम हासिल किया था उसके कारण उनका यह परसेप्शन बना हुआ था। तो जानते हैं वह सेंटेंस क्या था उनका, उन्होंने कहा था भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत हैज इमर्ज्ड, भारत इमर्ज नहीं कर रहा है बल्कि भारत तो इमर्ज कर चुका है। उस समय हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी इतनी ग्रोथ रेट नहीं रही है, 8.4%। आज चाहे फिस्कल डेफिसिट हो,
चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, उसकी हालत से आप अच्छी तरह परिचित हैं, वो मैं सारे डिटेल्स और सारे डाटाज आपको मैं नहीं देना चाहता हूं, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। भारत आज, भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट आप जानते हैं बहुत ही अधिक है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय अटल जी की गवर्नमेंट थी, भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। यह हमारी गवर्नमेंट की विशेषता। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे देश में कितने हुए, आप जब यहां की सड़कों पर, चौड़ी चौड़ी सड़कों पर, 6 लेन 8 लेन 4 लेन सड़कों पर चलते हुए चलेंगे, स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा कि इस काम को इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार यदि किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हमें यह कहा जाता है कि हम राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट बीजेपी है, यह हमें कहा जाता है। जिसे जो कहना हो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहे, लेकिन गवर्नमेंट चलाकर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हम राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं है, बल्कि राइट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस देश की यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। इसको हमने सिद्ध किया है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ समय यह मैंने क्यों कहा डेवलपमेंट ओरिएंटेड राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मैंने क्यों कहा? आईटी में बूम इंडिया की हिस्ट्री में कभी आया था तो हम लोगों के शासनकाल में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। टेलीकॉम सेक्टर में बूम यदि आया था, जब हम लोगों की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय बूम आया था। कई ऐसे स्टेप, एटॉमिक टेस्ट याद दिलाना चाहता हूं, पोखरण का एटॉमिक टेस्ट। दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज यह नहीं चाहती थी कि भारत एटॉमिक टेस्ट करे, और अटल जी को इस बात की जानकारी थी कि यदि हम यहां पर एटॉमिक टेस्ट करेंगे तो भारत को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसे जानते थे। फिर भी उन्होंने फैसला किया और राजस्थान की धरती पोखरण में एटॉमिक टेस्ट हुआ था। और आप जानते हैं कि दुनिया की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने भारत को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बंद कर दिया था, फिर भी हमने इकोनॉमी को कमजोर नहीं होने दिया था। और उसका श्रेय यदि देना चाहता हूं मित्रों, तो मैं अपने एनआरआई भाइयों को इसकी क्रेडिट देना चाहता हूं। उसी समय इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड, उसी समय इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड जारी हुआ था, 98 था संभवतः, 98 था ना, 98 में उस समय जारी हुआ था। आप लोगों ने, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट था इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड के माध्यम से, उससे आपने देश की इकोनॉमी को केवल सेव करने का काम नहीं किया है, बल्कि मैं कह सकता हूं 98 में आपने इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 2003 आते आते केवल हमारी इकोनॉमी को सेव ही आपने नहीं किया था, हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने का काम यदि किसी ने किया था, हमारे एनआरआई बंधुओं ने किया था, हमारे एनआरआई मित्रों ने किया था, इसकी पूरी क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूं। कमाल का काम हुआ था। और हमारा तो यह भी मानना है कि मित्रों, उस समय जब 2003 या 2004 में, 98 में आपने इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड लिया था और फिर रिडीम उसको कराया था आपने 2003-2004 में, बहुत सारे लोगों ने, तो मुझे याद है क्योंकि उस समय भी मैं गवर्नमेंट में था। इसके पहले मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, बाद में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय था। बहुत सारे एनआरआई फ्रेंड्स मुझसे भी मिलते थे, तो उनका यह कहना था कि हमने इन्वेस्टमेंट तो डॉलर में किया है, लेकिन हम अब यदि रिडीम कराना चाह रहे हैं तो रुपए में कराना चाहते हैं, रुपीज में लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया, हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट मजबूती की ओर तेजी के साथ बढ़ रही थी, इसलिए आपने कहा हमको डॉलर में ही नहीं बल्कि हम रुपए में भी लेने को तैयार हैं। यह पहला अवसर इंडिपेंडेंट इंडिया में था, तो हमारी इकोनॉमी उस समय जैसी थी, जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी थी उसी का परिणाम यह था।
लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट कर देने से ही किसी देश की इकोनॉमी न तो स्ट्रांग होगी और न तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि उसके लिए लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप कैसी है? प्राइम मिनिस्टर हमारा कैसा है? गवर्नेंस कैसी है? यदि गवर्नेंस ठीक नहीं है तो आप चाहे कितने बिलियन मिलियन इन्वेस्ट कर दीजिए, उस इकोनॉमी के हेल्थ के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। गवर्नेंस चाहिए, वो गवर्नेंस मित्रों कहां से आएगी? कहां से आएगी? कौन दे सकता है? 10 वर्षों से हमारी कंट्री में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट है। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। भारत की क्रेडिबिलिटी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पूरे वर्ल्ड में यदि गिराने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा किए। इस गवर्नमेंट के माध्यम से यह काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, मेरा यह मानना है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं इमेजिनेटिव फॉर्म कन्विक्शन की और स्ट्रांग लीडरशिप यदि किसी के पास है इस समय कंट्री में तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस लीडरशिप का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा है। क्या आज डेवलपमेंट को लेकर यदि कोई चर्चा होती है और लोग यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि सचमुच डेवलपमेंट के मामले में इस कंट्री का मॉडल स्टेट कौन है, तो स्वाभाविक रूप से लोग कहते हैं कि इस कंट्री का डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में यदि कोई मॉडल स्टेट है तो मॉडल स्टेट का नाम गुजरात है। हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपका इंडिया की इकोनॉमी में कितना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। आज मैं जानता हूं कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन ओरिजिन के लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, उनकी जनसंख्या में लगभग 2,19,00,000 या 2,20,00,000, मैंने 2.2 मिलियन होगी, क्यों विजय जॉली? 2.5 करोड़ के आसपास है, 22.5 बिलियन कुछ ऐसे ही है हमारे मिलियन, इतने मिलियन होगी। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि हमारी कंट्री को इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, भारत के भविष्य को यह बना सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चीन, चाइनीज डायस्पोरा इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, सबसे बड़ा डायस्पोरा। चाइनीज ओरिजिन के सर्वाधिक लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, उसके बाद भारत का नाम आता है इंडियन डायस्पोरा। यदि चाइनीज डायस्पोरा का इन्वेस्टमेंट जो होता है चाइना में, वह अप्रॉक्सीमेटली 40, एक समय तो वह था कि लोग, मुझे यह बताया गया है कि वह अप्रॉक्सीमेटली 80% एफडीआई में उनका एक कंपोनेंट था, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट एफडीआई में वह लगभग 80% हुआ करता था। लेकिन आज भी चाइना में जो चाइनीज डायस्पोरा के लोग हैं उनका एफडीआई में कंपोनेंट है तो वह लगभग 45-50% है, और भारत का, हमारे एनआरआईज का एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है वह अप्रॉक्सीमेटली 10-15% है। क्यों? लगभग इतना ही होगा, 10-15% या थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है। मैं तो आपको केवल यह कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आया हूं मेरे एनआरआई मित्रों, क्या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाने में पूरी तरह से आप सहयोग करें। आपका जो एफडीआई का कंपोनेंट, एफडीआई में जो आपके इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है वह जो केवल 10-15% है, हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि निश्चित रूप से इस एफडीआई में शेयर आपका अपने आप बढ़ जाएगा और यह भी 35-40% तक इंडिया में जा सकता है, यह मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए।
और मैं यह भी कह सकता हूं कि सचमुच इस समय यूएस के बाद सेकंड वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर यदि कोई कंट्री है तो चाइना, तो सेकंड इकोनॉमिक पावर यदि इस वर्ल्ड का यदि चाइना है, हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं जानता हूं इस सच्चाई को भी कि हमारे यहां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो आइटम्स तैयार होते हैं, उन आइटम्स को दुनिया की दूसरी कंट्रीज में तैयार होने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आइटम से कंपटीटिव एज कम नहीं है। कुछ मामलों में तो हमारी कंपटीटिव एज अधिक है। तो चाइना यदि एक्सपोर्ट में इतना आगे निकल गया तो भारत एक्सपोर्ट में क्यों नहीं इतना आगे जा सकता है, यह बात हमारी समझ के परे है। और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम देखेंगे क्या और कोई ऐसा रिसर्जेंट बॉन्ड जारी किया जा सकता है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाकर, और साथ ही साथ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का प्रोविजन करके, और भी सारी जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है अपने NRIs को, ताकि वह मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करें, इसके लिए भी कोई बॉन्ड जारी करने की जरूरत हुई तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम ऐसे भी बॉन्ड जारी करेंगे, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब बूम आएगा तो बट नेचुरल है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट यह निरंतर कम होती चली जाएगी। इसलिए लोगों ने फैसला किया है कि उसके लिए कोई स्पेशल बॉन्ड भी जारी करने की आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से जारी करेंगे। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स की मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे NRI मित्रों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो मैं यह मानता हूँ, जो भारत को एक स्ट्रांग भारत देखना चाहते हैं, मजबूत भारत देखना चाहते हैं, और इमर्जिंग भारत नहीं बल्कि इमर्ज्ड भारत देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा है भारत में डेमोक्रेसी है। तो इस डेमोक्रेसी के रहते हुए हम भले ही NRI हों, हमें वोट देने का राइट है, राइट टू वोट है, लेकिन अब अमेरिका से चलकर, इंडोनेशिया से चलकर, रशिया से चलकर, चाइना से चलकर, पूरे फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर भारत में आकर वोट करना यह बहुत ही कठिन काम है। हमारा यह कहना है कि यह राइट हमारे NRIs को दिया जाना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो अपने वोट का यूज वह अपनी जो भी उस कंट्री में एम्बेसी है अथवा काउंसलेट है उसमें अपने वोट का प्रयोग कर सकें, यह व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे एक शिकायत है US इमिग्रेशन बिल को लेकर, और उस बिल का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड इमिग्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2013। वीजा की फीस बढ़ गई है, 5 लाख से अधिक हमारे IT इंजीनियर्स कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं US गवर्नमेंट से आज इस OFBJP ग्लोबल मीट के दौरान मैं US गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूं, इस एक्ट का को रिलुक किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए, यह मैं भारत की तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मांग करता हूं, इसे रिलुक करे US गवर्नमेंट। और साथ ही साथ हमारे जो NRIs हैं, यहाँ की जो IITs हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे जिनका एक अपना एक्सलेंस है अपने क्षेत्र में, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें यदि बच्चों का एडमिशन यदि कराना चाहते हैं तो कुछ व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए यहाँ पर भारत में। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं आप लोगों से इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। आशा देश यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 में क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनने जा रही है। आप चले जाइए देश के किसी कोने में, नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, कहीं जाइए, सब लोग ये कहते हैं दिस कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट मस्ट गो एंड द BJP गवर्नमेंट मस्ट कम इन पावर। और जब BJP पावर में आएगी
तभी भारत की सक्सेस स्टोरी पुनः लिखी जाएगी। और मुझे लगता है किसी ने कहा कि द सक्सेस स्टोरी ऑफ भारत हैज बिन ओवर, तो हमारा कहना है कि नहीं, द सक्सेस स्टोरी ऑफ भारत इज अवेटिंग बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की भारत की सक्सेस स्टोरी जो है प्रतीक्षा कर रही है। आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं आप सबसे बहुत ही ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी को 2014 के इलेक्शन में विक्ट्री दिलाने के लिए जितना भी मैक्सिमम एफर्ट आपकी तरफ से हो सकता है वो करें। वो यह बीजेपी के माध्यम से भी, और मैंने विजय जौली को भी कहा, कैसे हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट हमारे एनआरआईज का बीजेपी को कैसे मिल सकता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने प्लान भी चाकआउट किया है, उसकी जानकारी आपको विजय जौली देंगे इसी ग्लोबल मीट में। तो आप सबका सहयोग चाहिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। वैसे हमारी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की जब मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के दौरान मैंने एक टारगेट दिया था अपने सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को। मैंने कहा कि हमारा टारगेट लेस देन 272 नहीं होना चाहिए, बल्कि मोर देन 272 होना चाहिए, यानी 272 प्लस की फिगर हमने दी थी। और हम इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस फिगर को अचीव करने में निश्चित रूप से सफलता हम हासिल करेंगे। ये क्या दे दिया पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कौन? अच्छा, अनाउंस इन्हें करना था, इन्होंने मुझे दे दिया। तो मित्रों, आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना आपको पुनः मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपका सहयोग भारत को और भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, तो निश्चित रूप से हम भारत को जो दुनिया का एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसे सुपर पावर बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। इतना ही कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए निवेदन समाप्त करता हूँ।